एडवेंचरस पूनम पांडे ने कह दिया है वो जो वो जानती तो पहले से थी लेकिन मानती नहीं थी। हाल ही में पूनम पांडे ने दिया एक इंटरव्यू और उसमें उन्होंने बताया कि उनका सरनेम खान या कपूर तो नहीं है लेकिन फिर भी वो कर रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में हार्ड वर्क। लेकिन ऐसे हार्ड वर्क का क्या फायदा ऐसी इंडस्ट्री में जहां लोग 200 ऑडिशन देते हैं लेकिन उनमें भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन पूनम पांडे ने चुना शॉर्टकट और फिर पूनम ने की खुद एक कॉन्ट्रोवर्सी। पूनम पांडे का कहना है कि उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी का जो रास्ता चुना है वो है एक शॉर्टकट लाइम लाइट के लिए। दैट वॉज द शॉर्टकट टू लाइम लाइट और ऐसा करने पर दुनिया ने किया उन्हें मजबूर और आज पूनम पांडे करना चाहती हैं कुछ बेटर, इसीलिए उन्होंने फिल्म बनाई द वीकेंड। और बहुत जल्द ही ये फिल्म होने वाली है रिलीज जो कि पूनम पांडे की ऑफिशियल वेबसाइट poonampandey.in पर ही देखी जा सकती है एंड दैट टू ओनली फॉर मोबाइल लवर्स। इस फिल्म के लिए पूनम कहती हैं कि इस फिल्म को बनाने में किया है उन्होंने काफी हार्ड वर्क। द वीकेंड कोई एडल्ट फिल्म नहीं है और ना ही इसमें कोई एरोटिक सीन है। ये फिल्म है कम्प्लीटली एक्टिंग पर बेस्ड। 2011 के वर्ल्ड कप में पूनम पांडे ने की एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट जिसमें उन्होंने इंडियन टीम को स्ट्रिप डांस का देना था एक जबरदस्त सा गिफ्ट अगर इंडियन टीम जीत गई तो। और ये बात पूनम पांडे खुद भी मानती हैं कि ये थी उनकी एक स्ट्रेटजी। लेकिन अब जब लोग विमेन ओरिएंटेड और विमेन सेंटर्ड फिल्मों को कर रहे हैं एक्सेप्ट तो उन्हें अच्छे से फिल्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कर सकती हैं बॉलीवुड में एक जबरदस्त एंट्री। बहुत जल्द फिल्म रिलीज होने वाली है पूनम पांडे की द वीकेंड जो कि होगी एक हॉरर और एरोटिक फिल्म। और इसके साथ ही हम कहते हैं पूनम पांडे को बेस्ट ऑफ लक। फॉर मोर वीडियोस एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।